पागल को भी ले। आरोही को डांट पिट रही है गाइस, ये आरोही। सो फ्रेंड्स, सो अब मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे पास थूथ दिखाओ। ये है जो ये जो पूरा चेहरा होता है ना, इस थूथ कहते हैं। मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग बन रहा है रक्षाबंधन का, और आपने देखा होगा व्लॉग में कि आरोही अपने बाल कटवाने गई थी, अपने थोड़े से सही करवाने गई थी बाल, तो ये गई थी। और उसके बाद हमने लगाई मेहंदी, ये देखिए कितनी सुंदर मेहंदी है। ये मैंने लगाई है, इसकी मेहंदी भी मैंने लगाई है, पीछे वाली मैंने लगाई है, इसकी नहीं लगी। मम्मी की अभी मैं यही वाली लगाऊंगी, मम्मी को बहुत प्यारी लगी है। अब उसके बाद हाँ, उसने भी ये लगाई, उसको इतनी प्यारी लगी वाली मेहंदी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हम जो राखी लेने गए थे, हम कौन कौन सी लाए राखी, और जो मोहल्ले में भैया हैं हम उन्हें भी बांधेंगे। ये हम सबका मकसद एक ही है, छींक दबाक दम दम, तो इसे देखियो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आरोही और मम्मी मार्केट गई थी, तो पहले आप ये वाली वीडियो देखिए कि आरोही मम्मी मार्केट किस वजह से गई थी। पहली चीज़ ये, मम्मी अपना ब्लाउज लेने गई थी, ऊपर से थ्रेडिंग एंड बाल को सेट करवाने गई थी थोड़ा सा नीचे से, एंड आरोही भी वही चीज़ करवाने गई थी। और आरोही दिखा रही है शॉप को कि क्या क्या है इस शॉप में, आपको तो पता है क्या क्या होता है, लेकिन तब भी आरोही मैडम कहाँ सुनने वाली है किसी की, वो तो दिखाएंगी जो उन्हें दिखाना है। धुलनिया का लिखा है, सदा सौभाग्यवानी भव, ये तो पता ना क्या लिखा है, शुभ विवाह पता ना यही है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मम्मी और आरी आ चुकी हैं अपना थ्रेडिंग, मम्मी करवाएंगी थ्रेडिंग और आरी करवाएंगी अपने बाल सेट वगैरह। एंड उसके बाद दीदी कह रही थी कि बेटा आप व्लॉग बना रही हो, तो मम्मी ने कहा हाँ हम व्लॉग बना रहे हैं, तो दीदी ने कहा हमें भी ले लो, हम भी आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा स्टोर बता दीजिए, स्टोर है फ्रेंड्स सेंटर मार्केट शास्त्री नगर मेरठ में, सेंटर मार्केट में खरबंदा सैलून है, हम वहाँ से हमने थ्रेडिंग और ये बाल सेट करवाया, तो आप भी करवा सकते हो, बहुत अच्छा सैलून है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर आरोही दीदी अपने बाल सेट करवाने आ गई, इनकी खुशी का अलग ही ठिकाना है। और फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे कि आलिया दीदी कहाँ है, आलिया दीदी इन्होंने घर पर फेंक कर आ गए हैं, वो वहाँ पे अपनी साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई, और बहुत रिलैक्स फील होता है जब आपके बाल कटते हैं वगैरह। आरोही तो कह रही थी मुझे नींद आ गई थी फ्रेंड्स, एक झपकी भी ले ली थी दीदी ने, कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं, हम घर पर थे हमें तो कुछ नहीं पता, सिर्फ वीडियो में ही देख पा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए आरोही की अलग ही खुशी है कि भैया उसके बालों में हाथ मार रहे हैं एंड स्प्रे कर रहे हैं कर करके, उसकी अलग ही खुशी है भाई। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने अपना पार्लर का काम ख़त्म करके ये सेंटर मार्केट घूमने चले गए, और इन हमें थोड़ी सी राखी भी चाहिए थी फ्रेंड्स, तो वो भी इन्होंने परचेस कर रहे थे यहाँ पे, ये देख सकते हैं इतनी सारी राखी हैं। और फिर फ्रेंड्स, जब बहुत सारी राखी देख लेते ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें क्या ना लें, तो मम्मी देख रही हैं और आरोही दीदी वीडियो बना रही, बहुत कैमरा हिलाती है आरोही मैडम, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख रहे हैं आरोही दीदी दिखा रही है राखी की, देखिए फ्रेंड्स हम राखी ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स बच्चों का कलेक्शन, बच्चों का कलेक्शन वो ही सेम चीज़ है, गुड्डा गुड़िया वाला। फ्रेंड्स, अब ये जा रहे हैं घर सीधे, मम्मी पापा और आरोही दीदी, और मैं घर पर हूँ। और इस समय अगर मैं टाइम बताऊँ ना तो 8 बज रहे हैं और ये 5 बजे निकले थे घर से, ठीक है। मैंने इनसे कहा था कि 5 बजे के बाद 6 बजे तक आ जाना, लेकिन इन्होंने 8 बजवा दिए थे आराम से, कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद ये स्टेशनरी पे भी गए थे, स्टेशनरी पे इन्होंने सूट नहीं करा, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, जब हमने घर आके राखियाँ देखी तो वो थोड़ी कम थी, तो हमारे हाथ में दोबारे आ गए, पास में ही स्टॉल लग रहे थे वहीं पर हम आ गए थे राखी लेने, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर राखी थी, हमने बहुत अच्छी अच्छी राखी ली, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि हमने इस स्टॉल से कितनी सारी राखी ली हैं। और ये हमारे भैया हैं जो योग कर रहे हैं, निखिल भैया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का कलेक्शन भी है अलग से, बड़ों का भी कलेक्शन है, सो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स। पहले मेरी मेहंदी देखिए, आरोही भी अपनी भी दिखाइए, ये आरोही की है, ये मेरी है, एंड बैक साइड ये मेरा
खा के मानती है चाटा। सो फ्रेंड्स अब इसको ओपन करते हैं, हम बता देते कौन कौन सा है। पहले ये घर के दीवारों पे लगाना सीताराम, उसके बाद ये जो क्यूट सा ब्रेसलेट आता है ये मैंने चूज करा कि आरुई मेरे बांधेगी। राखी घटिया नहीं कहते, देखिए हार्ट वाला पेंडेंट है और मैं इसको कहीं भी पहन के जा सकती हूँ, कितना क्यूट है ना। उसके बाद ये मैं लाई हूँ तीन ईवल आई राखी, एक दो मेरे मोहल्ले के लिए और ये जो एक है ना ये आरी मैडम के लिए। अच्छी लाई ना राखी फ्रेंड्स, कमेंट्स में बता देना। चल उतार इसे। अब ये जो डोरीमोन वाली राखी है, आपको पता है हमारा एक ही भाई है वो है मानिक, उसके लिए ये आरी लाई डोरीमोन वाली और मैं लाई हूँ मिक्की माउस वाली। उसके बाद ये दो पबजी वाली राखी जो लाई है आरोही, ये लाई है नीशू के लिए और अमन ठाकुर के लिए। पबजी वाली राखी, दोनों पबजी खेलते हैं, अमन ठाकुर नहीं खेलता, खेला। ये सीताराम, उसके बाद ये राखी मामा बाबा के लिए, ये पापा बाबा के लिए, चंदन वाली राखी ज़्यादा पसंद रहती है ना, तो ये लाए हैं फ्रेंड्स। मेरी मेहंदी भाई, कितने दिनों बाद कैमरा पकड़ रही हूँ मैं। हाय